हाँ जी, आप बताइए, नौजवान हैं आप, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। ओहो, लखनऊ के। इधर कहाँ? जॉब लग गई है ना इधर, जॉब करता हूँ इधर। अच्छा इधर जी। नमस्ते। नमस्ते। माहौल कैसा? मैं बहुत फॉलोवर हूँ आपका। खैर मैं क्या बताऊँगा, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे तो रहने दो। अरे यार, कम से कम माहौल क्या है, देखते हो, इसी के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ट्रेन में मिल गए। मैंने वहीं से पहचान लिए थे आपको। चलिए, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूपी के हैं या एमपी के? यूपी। तो देखिए, पैसेंजर ट्रेन कभी कभी ऐसा पिट जाती है, जितने देर का सफ़र होता है उससे ज़्यादा देर का वो लेट हो जाती है। मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ, मुरैना से ग्वालियर का 1 घंटे का सफ़र था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे देरी हो भी गई। हो वास्तविकता है, कभी कभी ये गाड़ी जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से पहले भी पहुँच जाती है। ये गाड़ी जो है पैसेंजर गाड़ी के नाम से जानी जाती थी अभी तक, अब इनको जो है कोरोना टाइम से मेल एक्सप्रेस कर दिया गया है। भले ही वो किराए की वजह से गवर्नमेंट ने अपने उसमें किया हो, किराया बढ़ा दिया, किराया मेल एक्सप्रेस का लगता है इसमें जो है। जितनी भी गाड़ियां हैं पैसेंजर ट्रेन्स, सभी को मेल कर दिया गया है खाली किराए के लिए, किराया बढ़ाने के लिए। टाइम में तो कोई फर्क है नहीं? टाइम जो है कभी कभी तो ये है कि ये पैसेंजर गाड़ी है जिसको मेल एक्सप्रेस कहते हैं, ये 2 घंटे 2 दस में इसका पहुंचने का टाइम है आगरा से ग्वालियर, और अन्य दूसरी गाड़ियां जो सुपर फास्ट हैं वो 2 घंटे 2:30 मिनट 2:20 तक पहुंचती हैं। मतलब सुपर फास्ट गाड़ियों से भी जल्दी पहुंच जाती है ये ट्रेन जो है, और हर स्टेशन पर रुकती है। तुम क्या इसे बैठी हो? चलो कोई नहीं, इसे बैठो। तो मैं सोच रहा कि इतना ऊपर कौन बैठा। दूसरा ये है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये, अरे छोड़िए ट्रेन की बात, आप रहने वाले कहाँ के? मैं डॉक्टर एमएल जैन हूँ, मोहनलाल जैन एमएल जैन अमर उजाला। आया समझ में? ताज प्रेस क्लब में आपसे मुलाकात नहीं होती है? आगरा। अरे यार, मैं उमेश को पहचान लिया, आपको पहचान लिया, मैं ये कहाँ से आ गया इसमें जो है? अरे मैं तो घूमते रहता हूँ सर, मैं असल में इतना घूमता हूँ कि मैं कई बार भूल जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन एक बात, हम तो जानते होंगे यार, याद आ गया। तो ये कुछ मध्य प्रदेश चुनाव का आपको समझ आ रहा है? मध्य प्रदेश ये बैठे हुए हैं ये बताएंगे आपको, बगल का आगरा में तो धौलपुर और मुरैना का सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, वो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो भले ही जो है शासन में, बीजेपी शासन में राहत महसूस नहीं कर रहा है, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि ऐसे किस दल को जो दिया जाए वोट जिससे राष्ट्र सुरक्षित रहे और हमें सुकून रहे, आम जन को सुकून रहे। विकल्प के अभाव में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अभी भी जो है उनकी मानसिकता बीजेपी की तरफ, गरीब सेक्शन जो है उनको लाभ मिल रहा है। दूसरा, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि चुनाव के टाइम पे वो उनको कुछ लोभ लालच दिया जाता है तो वो बदल भी जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति जो है एकदम क्लियर होगी। आप कहाँ के? मैं आगरा। आगरा के? इधर आगरा। आप कहाँ की? आगरा। ओहो, आगरा वाले ज़्यादा मिल गए यहाँ पे। एमपी से कनेक्ट हैं? आगरा वाले हैं पर एमपी से सारे लोग कनेक्ट हैं, क्योंकि एमपी के हैं। अब कुछ लोग आगरा आ गए तो एमपी की क्या पोजीशन है आगरा वालों को तो पता रहती है, आजकल अपडेट हर व्यक्ति देता है। हाँ, तो आपको क्या अपडेट लग रहा है? 100% सभी जगह बीजेपी है, सभी जगह बीजेपी है, भूल जाए हर गवर्नमेंट, हर सरकार, वो क्या नाम है, हर पार्टी भूल जाए, हर सरकार इस चीज़ को भूल जाए कि बीजेपी को हम हटाएंगे, हम पूरी ताकत लगा दें, हम गठबंधन करेंगे। इम्पॉसिबल, मोदी जी हैं और 10 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अभी और 10 साल तक कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये बिल्कुल डंके की चोट से कह रहा हूँ। क्या मोदी जी के किस काम की वजह से? हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। कोई आदमी तो फेस से पसंद करता है,
कोई आदमी काम से पसंद करता है, कोई आदमी उनके गुणों से पसंद करता है। हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, किसकी क्या सोच है वो तो मैंने हर व्यक्ति अपने तरीके से जानता ही है। चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। सफ़र जारी जारी क्या, एक ही जगह रुका ही हुआ है बामोहर पे जब पिछले कुछ देर से, और मैं लोगों से बात कर ही रहा हूँ। तो अब कुछ और यात्रियों के साथ मैं सफ़र में बातचीत करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? मुरैना का। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? चल तो रहा है अच्छे ही चल रहा है। किसका अभी पता नहीं मुझे तो। अच्छा एक बात बताओ, नौजवानों के दिमाग में इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके क्या चल रहा है? आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं। सरकार आएगी या जाएगी? सरकार तो आएगी। कौन सी? कोई भी आ जाए, सारी सरकार अच्छी है। जो भी आ जाए काम करे वो सब अच्छे है, काम करे वो सब अच्छे है, जो काम नहीं करे तो उसके बाद कैसे करेगी। मामा की सरकार ने काम किया? अब मामा की सरकार ने काम करा तो है। और आप बताइए? अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। वो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अरे हम तो महिलाओं से ही ज्यादा आ गए। क्या बात है, मैं तो आपको रोज देखता हूँ राजीव रंजन जी। हम देखती है टीवी पे और उसी टाइम पे टीवी खोल लेती है। आपका मुरीद हूँ, मुरीद। अरे बहुत शुक्रिया। और किसकी सरकार बनवा रहे हो आज? अरे आप ही लोग से तो पूछता हूं। मैंने सर को पहचान लिया देखते ही। एमपी में तो कांग्रेस वो आ रही है, कांग्रेस। किस वजह से? हैं? किस वजह से? इनका महंगाई वगैरह बहुत है, सिलेंडर भर्तियां नहीं है, बेरोजगार है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी घबरा के बोल रहे हैं यार। दौड़ के आया हूँ आपको देख, ट्रेन से बाहर कॉल किया था ना तो दौड़ के आए। ये तो स्टेशन पे रुकी है ट्रेन इतने देर से। हाँ। मैंने सोचा था कि पचास तो नीचे था और मैंने सोचा कि ये ग्वालियर तक जाएगी। हाँ हाँ, तो बात करते चलेंगे। और जितना ग्वालियर जाने में सफर में समय लगता उतना तो यही खड़ी रहेगी। सही बात है एकदम। तो आप क्यों बोल रही है कि अरे वो दौड़ के आ रहे हैं, उन्होंने फोन कर दिया इसलिए आए होंगे? आप कह रहे हैं कि क्यों घबरा घबरा के बोल रहे हो? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अरे आप कैमरा देखते ही पहले तो बोल रही थी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सर मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, और आप? जी सर हम नहीं देखते, न्यूज भी नहीं देखते और ना पता है। अरे 1,000 रुपए मिल रहे हैं मामा के कि नहीं? हमें नहीं मिल रहे ना, बहनों को मिल रहे हैं। हम तो भांजी हैं, भांजियों को भी तो मिलना चाहिए। हम बहन थोड़ी ना, हम भांजी हैं। आप भांजियों के लिए तो दूसरी व्यवस्था। 1,000 रुपए मिल रहे हैं, महंगाई तो इतनी हो रही है सर। सिलेंडर 1,200 रुपए का आ रहा है, उससे क्या 1,000 रुपए से क्या होता है? आप क्या करती हैं? पढ़ रहे हैं। तो वैकेंसीज आती हैं? जी। अरे मध्य प्रदेश सरकार में नौकरियां निकल रही हैं, मामा की सरकार आएगी कि जाएगी ये बताओ? अब पता नहीं है, जो होगा देखेंगे टाइम पे। चलो ठीक है, समय खत्म हो गया। माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24, मुरैना टू ग्वालियर। लेकिन एक ही स्टेशन पर रुक गई, बामोर।